हाँ जी हाँ जी, चकली चकली आ गई आ गई आ गई, गाड़ी उठ गई गाड़ी, लेकिन मुश्किल दस से मस्त हुई है भाई। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला के रहम करम से फजल के साथ शुक्र के साथ मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का दिन जुम्मतुल मुबारक है। दुआ करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। जो जो साथी हैं नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही है, सुबह हुई है काम पर आ गए हैं, शाम होती जाके सो जाते हैं, क्योंकि परदेश है, क्योंकि और हमें इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। 10 साल हो गए हैं मलेशिया में आए को, 9 साल हो गए हैं, 10वां साल लगा हुआ हमें मलेशिया में, तो काम इस काम है, छुट्टी मिलती है तो कहीं घूमने जाते हैं, नहीं तो फिलहाल लाश हो जाता हमारा इधर ही, काम पे रहते हैं। तो चलें आज का एक्टिविटी, आज का दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन में क्या क्या करते हैं। सुबह सबसे पहले मैंने कहीं सफाई मशीनों के ऊपर जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, लोहे का जो काटा हुआ है स्क्रैप जो है उसको उठा के ड्रमों में डालनी है, और उसके बाद जो जो काम होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़िंदगी ऐसी है, आप लोग खुश रहें और दोस्तों का भी ख्याल रखें, जो साथी हैं मोहल्लेदार हैं अजीज़ हैं उनका ख्याल रखें, किसी के साथ दिल हजारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तंग ना करें, क्योंकि आखिर मौत है, ज़िंदगी का पता कोई नहीं कब ख़त्म हो जानी, हंसी खुशी गुजारें, अच्छे तरीके से गुजारें, कि कोई देख के आपको बोले कि वाकई आपने कोई वक्त गुजारा है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह इसी के साथ काम स्टार्ट करते हैं। तो ये मशीन काफ़ी दिनों की तैयार है, 3-4 दिन की, तो लेकिन उन्होंने लेने आने आ जाते हैं, कल आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं, ये नहीं पता। तो अभी कोई नहीं नीचे आया है, नवी साहब अभी वो चाय बना रहे थे, जमान ने अभी बाहर से आना है, क्योंकि मैं पे वो 3 देर का मैं क्या अभी शोर भी कम है, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आवाज़ सही चली जाएगी, दोस्तों को समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारा तो मैकेनिकल का काम है, दिन ब दिन जो काम होता है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। कभी कोई चीज़ नहीं आती है, कभी वो भी पुरानी चलती रहती है साथ साथ, क्योंकि लिफ्ट की रिपेयरिंग का काम है, तो हर रोज़ ज़्यादातर लिफ्ट का ही काम आता है। कल तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की कि 3-4 टीमें आई थी इकट्ठी, मतलब कि काम तो थोड़ा था उनका, लेकिन मुलाकात सबसे हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लड़के आए थे कल, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज काम भी स्टार्ट जल्दी करें और साथ में सफाइयाँ वगैरह करके अपने काम को जल्दी कंटिन्यू करें और आपको दिखाएं कि आज हम क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें, और ये जो सफाई वगैरह सारी मैंने करनी है करके, ये ड्रम में खाली है इसमें डालते हैं, तो बाकी भरे हुए हैं, तो वो स्क्रैप वाले को बोलेंगे, वो आएगा लेके जाएगा, कुछ पैसे देगा, खाए पिएंगे, जैसी मारेंगे, तो इसीलिए अभी उसको उठा के तो इस ड्रम में डालते हैं, क्योंकि अभी नवीद साहब उन्होंने आना है, उनके आने से पहले पहले सफाई वगैरह कर लें, उन्होंने अपनी मशीनों की सफाई करनी होती। मेरे पास ये 3 मशीनें हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों की मैंने सफाई करनी होती है। वो लोग ये उधर है, वो ऊपर है, फिर वो उनके पास वो है, वो साइड वो करते हैं, ये साइड मैं कर लेता हूँ इधर सामने सामने से, क्योंकि ये 3 मशीनें मेरे अंडर आती हैं। तो चले स्टार्ट करते हूँ, बातें तो होती रहनी है, बातें तो इतनी नहीं मुझे आती हैं कि मैं आपको क्या क्या सुनाऊँ, तो इसलिए काम के साथ साथ जो जो काम होगा इंशाल्लाह आपको वो बताता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर लिया मैंने, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, ड्रम वगैरह भी कर ली, तो 22 लेकर मैं तक ये मशीनों का भी जो है इसका रह गया थोड़ा सा काम वाला, इसका भी है, लेकिन ड्रम जो है ना मेरे पास खाली नहीं है, और इसलिए तो उसके बाद मुझे ये प्लेटें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्कीम करना है एक साइड स्कीम करने के बाद सुराख निकाल लें इनको, उसका वो गेयर कर लें, जमान वो शफर कर रहा बड़े वाली, और नीचे एक पड़ी हुई है शफर बिल्कुल तैयार हो गई है, इंशाल्लाह उसका भी व्यू कराता हूँ आपको मुकम्मल सारा, क्योंकि अभी मैं इधर काम पे लगा हूँ और ये काम मुकम्मल करना है, उसके बाद दूसरे कामों की तरफ जाना है, क्योंकि मैं ये ज़रूरी है आज तकरीबन 10:15 हो गए हैं, तो 12 बजे तक इनको क्लियर करके देना, क्योंकि ये उनको आज देनी है, तो फिर आगे काम होते ही आ जाएगा इनके साथ, क्योंकि वो पिछले ब्लॉक में आपने देखो छोटे बोर्ड बनाए हैं और वो और ये एक साथ में देनी है उनको, तो इसलिए इसको मैं पहले कर रहा हूँ, इसको मैं मुकम्मल करूँ और उनके पास भेजें, तो इंशाल्लाह काम ऐसे ही चलता रहता है, कभी कोई चीज़ आती कभी कोई आ जाती है। आज ये प्लेटें आई हैं, ये भी लिफ्ट का ही सामान है, तो जिस मतलब कि चिगाट होती है जिस जो हम प्लास्टर के शू बनाते हैं वो भी आज मैंने बना रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ साथ ये है कि ये भी लिफ्ट को ही लगती है, तो समझाने में शायद मुझे थोड़ी मुश्किल आए, ना पता चले आपको क्या कह रहा हूँ मैं, तो अल्लाह ताला खैर करे आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मेरी बातों की, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ बस, जितना आता उतना बोल लेता हूँ आपके घर, तो बाकी अभी लगा हूँ काम में, काम मुकम्मल कर लें, स्कीम कर लें, फिर आपको बताता हूँ जी। अभी मैंने ना सुराख निकालने शुरू कर लिए थे,
लेकिन साथ में ही गाड़ी आ गई है लोरी, वो ना हमने जो बड़ी मशीन तैयार की है ना वो लोड करनी है, वो हम लोग लोड करने लगे हैं। ये भाई आया लेके कन्वेयर, बड़ी गाड़ी आ गई है बाहर ना, तो ये दोनों गाड़ी हम साइड पे कर रहे हैं, वो ली और ये ली। लोरी आगे आ जाएगी इधर, तो फिर हम लोग इसको लोड कर देंगे। भैया सीनी है, सीनी से तपी 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 तपी, तपी। हाँ जी, लोरी आ गई, लोरी तो हमें गड्डी लोड करनी है, तो हम तुम लोडिंग मुहाने हैं। लोडिंग कैसा करते हैं, ये ऊपर ही ना क्रेन लगी हुई है, ऊपर ही ना क्रेन लगी हुई है सारी, घुमा के इतने अंदर ले आएंगे इस जगह पे, तो लोड करके तुम हम लेके जाएंगे। नाल जुड़े रहना इंशाल्लाह, तुम दुआने लोडिंग कैसा करते हैं, बहुत प्यारी लोडिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नीचे उतारी भी है कि अच्छे लोड करनी है इस मशीन से, उधर मेहनत आई सी, रात का टाइम से नहीं पता चलिया आया तो, लेकिन हूँ इंशाल्लाह दिन के टाइम पता चल जाता है। ट्रेन जो ना घुमा के लेके आ रहा भाई, ये पैर की मदद से तुम इसको रोक लिया सारी को, ये अभी घुमा के लेके आ रहे हैं। नहीं रिमोट ये है, रिमोट अंदर पे आएगा लेकिन लाल सी पै गया जी, नहीं चुकया जा रहा, पाया ज्यादा है, पाया ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, चकली चकली आ गई आ गई आ गई, क्या बात है जी, जी है जी है, उन्हें खिंच खिंच के बाहर खड़न दिया उन्होंने। लोड होने लगी है जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। उसकी वजह से ना गाड़ी उठाने की, इतना ज़्यादा वजन है उसका कि गाड़ी ऊपर उठ गई है, बहुत ज़्यादा वजन है भाई उसका, वो गाड़ी ऊपर उठ गई है, गाड़ी का शोर देख रहे हो आप कितना हो रहा है, वो गाड़ी जो है ना मशीन नहीं उठाई जा रही, गाड़ी जगह से उठ गई, मैंने बाद में देखा, मैं वीडियो बनाने के लिए आया होती थे, भाई ने नीचे कर लिया इसको, बहुत वजन है भाई उसका, 8 टन के करीब वजन बताया हुआ उन्होंने, 8 टन के। देखो वो मशीन नहीं उठ रही है ये, लेकर गाड़ी उठ रही है, गाड़ी उठ रही है भाई, टायर ऊपर चले गए टायर ऊपर, लेकिन मशीन नहीं रही अभी तक, हाँ इतना जो रहा है मशीन, देखो गाड़ी गाड़ी लेकिन गाड़ी भाई गाड़ी उठ गई गाड़ी, लेकिन मशीन दस से नस हुई है भाई। एक बार फिर कोशिश कर रहा है भाई, एक बार फिर कोशिश करने लगे हैं, उठ जाए तो भी और दोबारा ट्राई करने लगे हैं, पहले नहीं उठी है ना, पहले ऐसे कि ऐसे ही गाड़ी उठ जाती थी, अब गाड़ी को थोड़ा सा इधर रिवर्स किया साइड पे थोड़ा सा लगा के ना फिर उठाने लगे हैं, अब देखते हैं क्या होने लगा। ये देखो ये देखो ये देखो गाड़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ओह भाई साहब गाड़ी ऊपर, भाई साहब गाड़ी ऊपर, देखो भाई साहब बड़ा जोर लगा भाई साहब, लेगी 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 मशीन लेगी भाई, क्या बात है, वो भाई साहब की हो गई मशीन, जमान ने हैंड लगा दिए और ऊपर जा रही है, क्या बात है जमान ने, क्या बात है, क्या बात है भाई, लैगी नहीं लैगी लोरी लैगी जस आ गई, ओके बाय बाय।
अच्छा देख सकते हो जगह कितनी खुली हो गई है। अब ये मशीन और ये प्रेस कल को इन दोनों को इस साइड पे खड़ा करेंगे, मोटरसाइकिल थोड़ी बाहर निकालेंगे ना, इन दोनों को ये जगह पे लगा के जगह खुली हो जाएगी। जो क्रेन लेके आते हैं ना देखो, वो आसानी से आ जाएगी। अब भाई साहब जगह देखो कितनी ज़्यादा खुली हो गई है, काम करने में आसानी होगी। कोई बात नहीं, कोई ना कोई मशीन और आएगी, उसको लगाएंगे इधर में। उधर से चलें, नमाज जुमा का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। ये हमारे बॉस हैं, चाइनीज़ हैं, और साथ नवीस भाई, उनका नवीसा के ढेर देखो, बाकी आते छोड़ो। तो अभी चलते हैं हम लोग ना नमाज पढ़ने के लिए, बाद में आके काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, देख लिए ब्रेक। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी शरीक कर ली है, जुमा मुबारक पढ़ने जा रहे हैं, शलवार कमीज पहन ली है, अल्लाह ताला का शुक्र है। धूप लगी हुई है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ। तो चले अब मस्जिद में पहुँचते हैं इंशाल्लाह, जब वापस वर्कशॉप में आते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। उतनी देर के लिए हम लोग चलते हैं मस्जिद में। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से वापस आकर काम करना शुरू कर दिया, ये सुराख निकाल दिया, वो एक प्लेट को निकाल कर रख दिए, आगे दूसरी मैंने शुरू कर लिया। तो मैं क्या जुमा तो मुबारक पढ़ आए हैं, आते ही काम को शुरू कर लें जल्दी जल्दी, फिर ब्लॉग को भी ख़त्म करना है, क्योंकि लंबा ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों को देखने में टेंशन ना हो, उतना सा बनाते हैं कि जितने आप ईज़िली देख सको। तो इंशाल्लाह इस काम को ख़त्म करते हैं, साथ साथ आपको और दोस्तों को दिखाते हैं कि दूसरे दोस्त क्या किया, काम किया मेरे जाने के बाद। जान अब आज दिन के में क्या क्या काम किया उन्होंने, नबीद ने या जुमान ने, दोनों ने क्या काम किया, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और तो बाकी अभी सुराख क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सुराख चार एक साइड पर चार आठ सुराख हैं, एक प्लेट को चार प्लेटें हैं, एक वो है, दो नंबर ये है, तीन और चार दो ये हैं, ये इनको मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आपको दूसरा वर्कशॉप का व्यू कराते हैं, पूरी वर्कशॉप में क्या काम हो रहा है इंशाल्लाह। अभी इतना इसको ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह चार प्लेटें क्लियर हो गई हैं, तो अभी इनको सुराख वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, तो अभी इंशाल्लाह इनको साथ लेके चला जाएगा, बाकी दूसरे काम देखते हैं क्या क्या करने वाले वो करते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों प्लेटें वगैरह सब कुछ चला गया, उसके बाद ये एंगल बनाए हैं मैंने, ये देख सकते हैं ये एंगल बनाए थे मैंने, और साथ ये सैंपल है इसका, बिल्कुल सेम ऐसे बनाया। अभी प्लेट जो ये छोटी है इसकी जगह वो बड़ी प्लेट लगानी है, और साथ में ये काम मिला हुआ था मुझे, ये बाहर से सारी कटाई होके आई है, मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ। कि ये सारी जो है ना ऑटो कटर है, मैनुअल नहीं है, ऑटो कटर है, उस पर कटिंग करवा के ले आके प्रेस वगैरह सारा कुछ बाहर से करवाया, कि हमारा प्रेस काम नहीं इतना करता है, तो इसलिए सारा काम बाहर से करवाना पड़ा है। तो बाहर से होके आया ये वाला काम, और ये मैंने खुद बनाया है ये सारा जो पीस है, क्योंकि जो जो काम हमारे से खुद से हो जाता है हम लोग खुद इधर करते हैं, जो बाहर से होने वाला था बाहर से करवा लेते हैं। आज का काम ये था, अब इसको मैंने ना वेल्डिंग करनी है, और इसके बाद कलर करेंगे ग्रे, तो इंशाल्लाह आपको इसका कलर करके भी व्यू दिखाएंगे, कैसा प्यारा व्यू आता है इसका। तो इंशाल्लाह क्योंकि काम थोड़ा थोड़ा रह गया, अब यही दो काम है जो एमरजेंसी आज लेके जाने हैं, बाकी आज काम और कोई नहीं है लेके जाने वाला इंशाल्लाह। जुड़े रहिए वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो गए सारे, ग्रे कलर कर देता हाँ दोनों ये नालों कन लाया पुराना मेढा मेढा हो गया ही, एक रिपेयर किया एक सही पुराना ही, तो अल्लाह ताला खैर करे। इस तो अलावा एंगल भी रेडी हो गए ना, ये हम जान लिए तैयार ने, ग्रे रंग मार दिता सारे जी। दोस्तों काम जेड़ा जेड़ा असं तुहानू दिखाया सी, लेकिन उस टाइम तो बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जेड़ा मैं तुहानू काम दिखाया सी। आज अगला दिन ने तकरीबन साढ़े चार हो चुके हैं, तो हूँ ब्लॉक का आला फिज करन लगा, क्योंकि मेरे ना बुखार बहुत तेज़ हो गया सी रात में, मैं कोई समझ नहीं आई है, मैं सब कुछ छोड़ के तो जाग सो गया सी, तो तबीयत अजे तक मेरी नहीं फिट हुई है। दुआ करना अल्लाह ताला मैं उसे तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉक से फिर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।